कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट। फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। तीसरे दिन भी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। हर तरफ मिसाइल और गोला बारूद की धमक से यूक्रेन सहमा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच जो बेखौफ है वो है प्यार। ऐसा क्यों? तो ये तस्वीर देखिए जो काफी वायरल है। इस तस्वीर को कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी ट्वीट कर शेयर किया है। हालांकि इस वायरल हो रही तस्वीर की सच्चाई क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन युद्ध के बीच प्यार की बेखौफ तस्वीरें, वो भी रूस और यूक्रेन के झंडे में लिपटे हुए कपल, लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। तो चलिए आपको इस फोटो के बारे में बताते हैं। इस फोटो को देखकर फैज अहमद फैज की शायरी याद आ गई, जिसमें वो कहते हैं, माना कि ये सुनसान घड़ी है, सख्त बड़ी है, लेकिन मेरे लिए दिल ये फकत की घड़ी है। हिम्मत करो, जीने को अभी उम्र पड़ी है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। ऐसे बीच सोशल मीडिया पर ये फोटो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें लड़के ने यूक्रेन झंडा तो लड़की ने रूस का झंडा पहना हुआ है। दोनों ही फोटो में गले लगे हुए हैं, जिस कारण ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। इस फोटो को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी शेयर किया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर अपने ट्विटर पर लिखते हैं कि मार्मिक, यूक्रेन के झंडे में लिपटा शख्स रूसी झंडा पहने महिला को गले लगा रहा है। आइए हम प्रेम, शांति और सह अस्तित्व के जीतने की उम्मीद युद्ध और संघर्ष के खिलाफ करें। शशि थरूर का ये ट्वीट अब वायरल हो गया है। अब हजारों लोग अब तक कमेंट कर चुके हैं इस फोटो को लेकर। वहीं कई दूसरे यूजर्स ने भी इस फोटो को शेयर किया है और साथ में लिखा है, नॉट वार ओनली लव। अब आपको इस फोटो की सच्चाई भी बताते हैं, क्या है इस फोटो की हकीकत। रूस और यूक्रेन युद्ध के मैदान में एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। वहीं इस फोटो ने काफी सुर्खियां बटोरी है। हालांकि ये फोटो 3 साल पुराना है। वाशिंगटन पोस्ट की खबर के माने तो इस फोटो में जो महिला दिख रही है वो जुलियाना कुज़नेत्सोवा है। जुलियाना इस फोटो में अपने मंगेतर के साथ पोलैंड में एक कंसर्ट में है। ये फोटो साल 2019 की है। इससे पहले 2014 में भी रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। तब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था। वैसे ये फोटो इंस्टाग्राम पर साल 2019 में शेयर की गई थी। अब एक बार फिर से ये फोटो वायरल है। वहीं दोनों देशों के बीच छिड़े युद्ध के हालात को देखते हुए अब रूस ने यूक्रेन से कहा है कि वह सरेंडर करे। इसके साथ ही बातचीत का भी प्रस्ताव भेजा है, लेकिन यूक्रेन बातचीत के लिए तो तैयार है पर सरेंडर के लिए नहीं। खैर, युद्ध के बीच कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जिसे देखकर प्यार जिंदा है, ऐसा आप कह सकते हैं। लड़ाई धरती के किसी भी कोने में लड़ी जा रही हो, आखिर में नुकसान मानवता का ही होता है। किसी बच्चे के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए छिन जाता है, पत्नी विधवा हो जाती है, गांव गांव में सन्नाटा छा जाता है, मातम की चीख वर्षों तक सुनी जाती है। यूक्रेन से आ रही तबाही की तस्वीरें देखकर दुनिया का हर समझदार इंसान दुखी है, भले ही वह रूस का नागरिक ही क्यों ना हो। बेटी को चूमते हुए यूक्रेन के एक बदनसीब पिता की तस्वीर भी वायरल है। इस वीडियो और तस्वीर को देखकर और इसकी वजह जानकर आपकी आंखों से भी आंसू छलक पड़ेंगे। बार बार बेटी को चूमता पिता यह सोचकर दुखी था कि शायद यह बेटी से उसकी आखिरी मुलाकात हो। किसी को पता नहीं कि फिर कभी वह अपनी गुड़िया से मिल पाएगा या नहीं। वह अपनी बेटी को आखिरी गुड बाय कह रहा था। वह बार बार बेटी को चूमता, दुलारता, आंखों से आंसू छलकते हैं, फिर खुद को संभालता है। जिसने भी यह तस्वीरें देखी आंखें भर आई। बम धमाकों के बीच वह अपनी बेटी को तो सुरक्षित स्थान पर भेज रहा होता है, लेकिन वह खुद ही नहीं जा सकता। यह कैसी विडंबना है, यह कैसा वक्त। जिसे देखकर राहत इंदौरी की वो शेर याद आती है और सटीक बैठता है, जिसमें राहत इंदौरी कहते हैं, उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। हालांकि युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच आज तीसरे दिन भी जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।